नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी डी प्लस बी में MTS का अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो लगातार आपको एक चीज की बड़ी चिंता सता रही होगी कि आखिरकार इस भर्ती की एग्जाम कब कंडक्ट करवाई जाएगी। इतने दिन अभ्यर्थियों के डाउट आ रहे थे कि इस भर्ती में कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए, तो दोस्तों इसको लेकर के हमने RTI दिखाई भी थी, क्योंकि दोस्तों हमने RTI अप्लाई की थी और उस RTI का हमें रिप्लाई मिल चुका और RTI हमने आपको कल भी दिखाई थी। उसको लेकर के काफी सारे चैनलों ने उस RTI का वीडियो भी बनाया स्क्रीनशॉट लेकर के। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम आपकी कब कंडक्ट करवाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों RTI में हमने यह सवाल भी पूछा था कि एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाई जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करें तो काफी सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट भी होने वाले, तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों D++B से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ताकि हम आपको बता सके कि आपका फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हो सकता है। अगर दोस्तों आप भी D++B में भर्ती होना चाहते हैं और एक अच्छी बुक की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लेकर गए चक्षु प्रकाशन की स्टडी रिलेटेड गाइड, जो कि दोस्तों नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। और दोस्तों बात करें तो सभी वैकेंसीज को आपकी कवर करने वाली, चाहे वो TGT PGT की वैकेंसी हो या फिर स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी हो, चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी हो, D++B की सभी वैकेंसीज को आपकी स्टडी रिलेटेड गाइड कवर करने वाली है। और सबसे अच्छी खास बात इस बुक की है कि दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाले, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो। इसमें आपको 4500 से ज्यादा क्वेश्चनों का संग्रह देखने को मिलेगा। यहां पर आप इसकी विषय सूची वगैरह सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों कई अभ्यर्थी प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछते रहते हैं, तो दोस्तों चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च हो चुका है, जो कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चनों का संग्रह देखने को मिलेगा और दोस्तों ये भी आपको दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। अगर दोस्तों आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, बिना देरी के अभी जाकर के इसे आप परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों RTI में हमने 3 सवाल पूछे थे। पहला और दूसरा सवाल हमने पूछा था कि कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए और कैटेगरी वाइज फॉर्म कितने अप्लाई हुए, तो इसका इन लोगों ने रिप्लाई भी दे दिया कि फॉर्म आपके इतने इतने फॉर्म अप्लाई हुए, और वो दोस्तों मैंने RTI आपको दिखाई भी थी और स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही होगी। लेकिन दोस्तों तीसरा सवाल हमने पूछा था कि MTS की एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाई जा सकती है, तो दोस्तों इसका इन लोगों ने रिप्लाई दिया है कि इस भर्ती की एग्जाम आपकी बहुत जल्द कंडक्ट करवाई जाएगी। हालांकि दोस्तों ने RTI में रिप्लाई नहीं दे रखा है, इन्होंने बता रखा है कि आपके इस क्वेश्चन को हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसे हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो तुरंत हम आपके साथ में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों आपके बात करें एग्जाम डेट की, तो अप्रैल मई तक आपकी एग्जाम 100% कंडक्ट करवाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों D++B की जितने भी भर्तियां हैं वो आपकी दिसंबर या फिर जनवरी से पहले पहले इन भर्तियों की ज्वाइनिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगले साल दिल्ली में चुनाव और चुनाव से पहले पहले आपकी सारी भर्तियां मेरे दोस्त पूरी करवाई जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिरकार किन किन अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में लगभग बात करें तो 1 से 1.5 लाख फॉर्मों की उम्मीद की जा रही थी कि 1 से 1.5 लाख फॉर्म इस भर्ती में अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता है RTI का रिप्लाई आपने देख लिया, 4.5 लाख से भी ज्यादा फॉर्म इस भर्ती में अप्लाई हुए, तो दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट भी होने वाले, क्योंकि दोस्तों जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती फॉर्म भरते टाइम जरूर की है, और उस गलती की वजह से दोस्तों लाखों अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। और कंपटीशन आप जितना सोच रहे हैं उतना कंपटीशन आपको इस भर्ती में देखने को नहीं मिलेगा। आज भी मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी अभ्यर्थी के 120 प्लस नंबर बन गए वो अभ्यर्थी इस भर्ती में 100% मेरे दोस्त सिलेक्शन लेने वाला है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कट ऑफ को लेकर के हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तब तक आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।